हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 1 लाख के पार, देश में कुल मौतों के 30% के बराबर। कोरोना की दूसरी लहर से सबसे अधिक तबाह महाराष्ट्र में महामारी से मरने वालों की संख्या 1 लाख पार कर गई है। ये देश में कोरोना से हुई कुल मौतों के 30% के बराबर है, यानी देश में कोरोना से जितनी भी मौतें हुई हैं, उनमें करीब 30% योगदान सिर्फ महाराष्ट्र का है। गुरुवार को महाराष्ट्र में कोरोना से 650 नई मौतें दर्ज की गयी, जिससे ये आंकड़ा 1 लाख पार कर गया। इसमें 2800 से अधिक वे मौतें भी शामिल हैं, जिन्हें राज्य में अन्य बीमारियों के कारण होने वाली मौतों का नाम दिया है। सरकारी आंकड़ों की माने तो गुरुवार तक राज्य में कोरोना वायरस से अब तक 1,233 लोग जान गंवा चुके हैं। इनमें से आधी मौतें 15 फरवरी के बाद हुई हैं, यानी कोरोना की दूसरी लहर में ही आधी मौतें हुई हैं। देश भर से होने वाली 20% से अधिक मौतों में महाराष्ट्र का योगदान जारी है। कुल मिलाकर भारत में अब तक 3.4 लाख से अधिक कोरोना वायरस से संबंधित मौतों में राज्य का लगभग 30% हिस्सा है। महामारी के दौरान ये अनुपात लगभग स्थिर बना हुआ है। महाराष्ट्र के भीतर की बात करें तो मुंबई और पुणे की हालत कोरोना से सबसे अधिक खराब है। राज्य के भीतर मुंबई और पुणे में सबसे अधिक कोरोना से मौतें दर्ज की गई है। मुंबई में जहां अब तक 15,000 लोगों की मौतें हो चुकी है, वहीं 12,700 लोग पुणे में जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा ठाणे में 8,000 और नागपुर में 6,500 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। सिर्फ मौतें ही नहीं, कोरोना के मामलों के मामले में भी महाराष्ट्र देश में टॉप पर है। महाराष्ट्र में देश में सबसे अधिक मामले हैं और अब तक लगभग 58 लाख संक्रमण दर्ज किए गए हैं। देश के कोरोना के सभी मामलों का 20% और सभी मौतों का 30% हिस्सा महाराष्ट्र का है। हालांकि कोरोना मृत्यु दर में महाराष्ट्र दर की स्थिति पंजाब की तुलना में ठीक है। जागरूक टीवी की मुंबई से खास रिपोर्ट।